नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उपमा, जो कि बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसके लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो 2 मध्यम आकार के प्याज मैंने लिए हैं, 1 आलू, 1 कटोरी सूजी, 4 बड़े चम्मच तेल, 2 चम्मच मूंगफली, 2 लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने तीखेपन के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक और काला सरसों। सबसे पहले हमें सूजी को बिना तेल सूखे ही भुनना है। सूजी भुनने के लिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम सूजी को कढ़ाई में अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए हमारे सूजी का कलर चेंज हो गया, इसे मुझे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसका हल्का कलर चेंज हो गया। अब हमारी सूजी भून के तैयार है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है और उसमें हमने लिए हैं 4 बड़े चम्मच तेल। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हमें उसमें सबसे पहले डालना है राई। जब हमारा राई चटक जाएगा तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च। अब मैंने डाला इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। ये हमारा कड़ी पत्ता हो गया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मूंगफली। अब हमें इसमें मूंगफली डाल के 2 मिनट तक मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। मूंगफली भुनने के बाद ही हम उसमें हमारी जो सब्जियां हैं, प्याज और आलू, हम वो डालेंगे। आप इसमें सब्जी अपने अनुसार और भी कुछ भी सब्जी इसमें आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा सब्जी है, जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च। बस मैंने बस इसमें सिर्फ प्याज और आलू डाल के ही बनाया है। हमारी मूंगफली गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज। प्याज भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी अपने बारीक कटे हुए आलू। अब हम इसे अच्छे से मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। ये देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से भुन गई है, मुझे इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था, मैं उसी कटोरी से, हमने 1 कटोरी सूजी लिया था तो हम 3 कटोरी पानी लेंगे, उसी कटोरी से मैं इसमें अब 3 कटोरी पानी डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हमें इसे उबाल आने तक पकाना है। अब हम इसमें अपना नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। ये देखिए हमारे पानी में उबाल आ गया। अब हम गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे। अब हमें इसमें सूजी मिलाना है। हमें इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके और चलाते हुए सूजी मिलाना है। अगर हम इसमें एक साथ सूजी मिला देंगे तो हमारे उपमे में लम्स आ जाएगा। हमें आहिस्ता आहिस्ता सूजी मिलाना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए धीरे धीरे करके हमारा पानी सूख जाएगा और हमारी सूजी भी अच्छे तरीके से पक जाएगी और हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए 2 मिनट में हमारा उपमा तैयार है। हम अपने गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म
उपमा तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।